नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। अब खबरें विस्तार से। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की है। चित्तौड़गढ़ जिले के दिव्यांग बालिका कक्षा 12वीं में पहला रैंक 99.2 अंक लाकर भासोड़ा का नाम रोशन किया। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय भासोड़ा की दिव्यांग बालिका जमुना पुरविया ने आर्ट्स विषय से 12वीं कक्षा में 99.2% अंक लाकर राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर, भासोड़ा सीबीओ सुनील कुमार सालवी, प्रेम सिंह सिसोदिया के घर पहुंचकर बालिका को माला, उपरना व मिठाई खिलाकर मोमेंटो भेंट किया। साथ ही उसके मम्मी पापा को भी माला उपरना पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि भासोड़ा कस्बे की एक किसान परिवार से दिव्यांग बालिका जमुना देवी पुरविया ने 12वीं आर्ट्स विषय में 99.2% अंक प्राप्त किए। बालिका ने 4 विषय में 100-100 में से 100 अंक प्राप्त किए तथा इंग्लिश विषय में 96% अंक प्राप्त कर राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया। बालिका जमुना देवी 10वीं में इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी हैं तथा इसी विद्यालय की पायल चौहान ने 93% अंक एवं रिद्धि कुमार ने 92.4 अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। खुशी की बात है कि एक छोटे से गांव की बच्ची और सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए और शारीरिक रूप से भी कई तकलीफें हैं इसे, फिर भी इसने 99.20% हासिल की। बहुत ही बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है बच्ची के लिए, बच्ची के माँ बाप के लिए और स्कूल के लिए। सभी का जो भी सहयोग रहा है इसे बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है और मेरी इसे उज्ज्वल शुभकामनाएँ हैं कि ये अपने जीवन में और अधिक, अभी 12th है इसका, और जीवन में और बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करें। आज इनके घर पे पहुँचे हैं, किस तरह का खुशी का माहौल है? आप सब अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, शिक्षा अधिकारी से भी पहुँचे हैं, SDM कार्यालय से, उपखंड अधिकारी महोदय भी पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी ग्राम पंचायत का स्टाफ जो है वो यहाँ से पधारे हैं, स्कूल से CBO साहब, मैं खुद यहाँ पधारी हूँ बच्ची के स्वागत के लिए, तो बहुत ही खुशी की बात है। ये गाँव वाले सभी प्रसन्न हैं। इस नया अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बना, लेकिन इस विद्यालय की पुरानी विरासत रही है मेधावी छात्राओं को निकालने की। मैं हमेशा से भातसोड़ा गांव में पोस्टिंग के बारे में सोचा करती थी और जब यहां आई और बच्चियों में जिस तरह का टैलेंट मैंने देखा तो मुझे लगा कि इन बच्चियों को तराशने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। और बच्चियों ने वह कार्य करके भी दिखाया जैसा उनको प्रेरित किया गया था। हम इस समय भदेसर में अगर बोले तो हम लोग पहले दूसरे और पांचवें स्थान पर हम लोग 12th आर्ट्स में मौजूद हैं। इसके साथ और सभी कक्षाओं में बहुत बेहतर प्रदर्शन महात्मा गांधी भातसोड़ा ने किया है। मेरा हमेशा से ये मोटिव रहा है कि बच्चियों को अपना मुकाम, अपनी उपलब्धियां हासिल होनी चाहिए, हमें बस उनको थोड़ा सा प्रेरित करने की आवश्यकता होती है और बच्ची ने वो करके दिखाया। मैं बेहद खुश हूँ, ग्रामवासियों का सदा सहयोग इसमें मुझे मिलता रहा है, सरपंच साहब, CBO सर मेरे हमेशा मार्गदर्शक रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमें ये मार्गदर्शन मिलता रहेगा और हम अपनी बच्चियों को इसी तरह संवारते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेसी पूरी कवायद से चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा भी लगातार छत्तीसगढ़ में है। राजधानी रायपुर में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और कुमारी शैलजा ने उम्मीद जताई कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संभाग स्तरीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति को जनता देख चुकी है और अब विचारधारा परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, जिसमें लोग उनके साथ है और आने वाले दिनों में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली मिलेगी। को अब आगे समय बताएगा। मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आज के दिन जो देश में बदलाव आप देख रहे हैं ये विचारधारा का बदलाव है और जो देश में अब लोगों ने देख लिया भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति, ऊपर से लेके नीचे तक जिस तरह की उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को दूषित करने का प्रयास किया है, अब लोग खास तौर से जो हमारा नौजवान वर्ग है, महिला हैं, उन्होंने असलियत देख ली है और आने वाले समय में वो फिर से देश को जोड़ने की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जो राहुल जी ने कहा है, नफरत छोड़ो, मोहब्बत की दुकान खोलो, तो वो आपको नजर आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, न ही जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए केंद्र सरकार ने कोई मदद की, राज्य सरकार अपने दम पर सारी योजनाएं चलाई हैं। मुद्दा नहीं है, न केंद्र सरकार की उपलब्धि नहीं है, न इन्होंने राज्य को कुछ दिया है।
वो तो राज्य सरकार के दम पर जितनी योजनाएं हम लोग चलाए हैं वो हमारा अधिकार है और उस आधार पे हमने काम किया है। और आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। भाई उड़ान योजना बंद कर दी है। अरुण साहू जी से मैं कहना चाहूँगा, आप इधर उधर की बात मत करो, अपने लोकसभा क्षेत्र में जहाँ हमने 45 करोड़ रुपये दे के एयरपोर्ट बनाया है, लाइसेंस लिया है और उड़ान योजना जो शुरू हुई थी उसको बंद कर दिया। अरुण साहू जी अपने लोकसभा क्षेत्र में तो उड़ान शुरू करवाएं, पार्टी में चलती नहीं क्या, सरकार सुनती नहीं आपकी। हाई वैल्यू कमर्शियल क्राप पर भी स्टार्टअप को दे बढ़ावा, ऐसा कहना है जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम जी। कलेक्टर विजय दयाराम शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारपारा और धर्मपुरा के निर्माण कार्य को जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने अर्बन पीएससी तक पहुंच मार्ग बाउंड्री निर्माण, हमर अस्पताल का निर्माण, पार्किंग स्थल के साथ साथ भवन के डिजाइन व रंग रोगन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में स्थित पेड़ों को बचाते हुए विकास कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर विजय ने रविवार को जगदलपुर शहर के अर्बन पीएससी सहित अन्य विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जिला प्रशासन के सहयोग से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए संचालित थिक बी कार्यालय का निरीक्षण किया। थिक बी से जुड़े अधिकारियों को स्टार्टअप करने वाले संस्था के प्रतिनिधियों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ी बोली भाषाओं के संरक्षक और संवर्धन पर केंद्रित रहा आखर छत्तीसगढ़ का आयोजन। प्रभा खैतान फाउंडेशन द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में एक दिवसीय आखर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग एवं अभिकल्प फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम आखर छत्तीसगढ़ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजभाषा छत्तीसगढ़ी और अन्य आंचलिक बोली जैसे सरगुजिया, हल्बी, गोड़ी, कुड़ुंग, सदरी इत्यादि के साहित्य के संरक्षक और संवर्धन पर वैचारिक परिचर्चा आयोजित करना है। प्रभा खैतान फाउंडेशन के स्टेट एग्जीक्यूटिव आनंदिता चटर्जी ने बताया कि प्रभा खैतान फाउंडेशन प्रदर्शन कला, संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देता है और भारत और विदेशों में लगभग 40 शहरों में सांस्कृतिक, शैक्षिक, साहित्यिक एवं सामाजिक कल्याण परियोजना को लागू करने के लिए इनसे संबंधित प्रतिबद्ध व्यक्तियों, संरक्षकों और समान विचारधारा वाले संस्थानों के साथ सहयोग करता है। फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को श्री सीमेंट लिमिटेड अपने CSR पहल के रूप में सहयोग प्रदान करता है। सहयोगी संस्था अभिकल्प फाउंडेशन के संस्थापक गौरव गिरजा शुक्ला ने कहा, साहित्य के संरक्षक और संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित आखर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के राजभाषा छत्तीसगढ़ी और हमारी आंचलिक बोलियों के साहित्य और संस्कृति से परिचित होने का बेहतरीन अवसर है। आखर का आयोजन हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ की जितनी भी आंचलिक बोली और भाषाएं हैं सरगुजा से लेकर बस्तर तक उन पर केंद्रित, उनके जो साहित्यकार हैं, उनके लेखक हैं, पाठक हैं, उन पर केंद्रित एक पूरा आयोजन हो रहा है। दिन भर का कार्यक्रम 7 अलग अलग सत्र हैं और जिसमें अलग अलग भाषा बोलियों पर हम यहाँ बातचीत करवा रहे हैं। प्रयास ये है हमारा कि जो आंचलिक बोली भाषा है, हमारी जो परंपराएं हैं वो जीवित रहें, उनके उन पर केंद्रित बातचीत होती रहे और आने वाली पीढ़ी को भी एक नया संदेश जाए और अपनी आंचलिक बोलियों का हमें परिचय दे। मोदी सरकार के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार सावलिया जी में आगामी 16 जून को महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम को लेकर सावलिया जी में स्थित एक निजी होटल में भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम दत्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत सावलिया जी कस्बे में स्थित मीरा रंगमंच डोम परिसर में आयोजित किया जाएगा। लोकसभा स्तरीय महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के लिए बैठक में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को मंच, टेंट, भोजन, आवास, पेयजल, पार्किंग, नगर सजावट की व्यवस्था सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां सौंपी गई। तैयारी बैठक में पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, युवा मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह रूद, भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रवण सिंह राव, सांसद प्रवक्ता रघु शर्मा, महाजनसंपर्क अभियान संयोजक मिठूलाल जाट, मंडल अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, जिला मंत्री भेरूलाल गाडरी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुरेश गाडरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक पारलिया सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में पार्टी द्वारा जनसंपर्क महाअभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत अन्य कार्यक्रम होने हैं, कुछ कार्यक्रम लोकसभा स्तर पर हैं, कुछ विधानसभा स्तर पर भी सम्मेलन होने हैं, लाभार्थी सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मेलन, इसी तरह लोकसभा स्तर पर एक बड़ी जनसभा होनी है। और आज जो सावले जी में हम जो तैयारी बैठक रखी है वो इस लोकसभा स्तरीय जनसभा को लेकर के रखी गई। ये कार्यक्रम 16 जून को रखा गया है।
11 बजे उसका टाइम दिया है, उसमें सभी लोकसभा पूरे लोकसभा क्षेत्र से सभी लोग सम्मिलित होंगे, कार्यकर्ता पदाधिकारी और जनता को भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी तो तैयारी करनी है, उसके ऊपर चर्चा करनी है। अलग अलग कार्य जो विभाजन किया है सबको जिम्मेदारियां सौंपी है अलग अलग, और उन कार्यकर्ताओं के अलग अलग कार्य विभाजन किया है, टेंट भोजन मंच व्यवस्था आदि की काम सौंपे गए। इस कार्यक्रम में कितने लोगों के आने की संभावना है? वैसे तो अभी क्योंकि ये प्रक्रिया में है, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में लोग आएंगे और एक विशाल जनसभा होगी, ऐसा हमारा प्लान है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और मुख्य आकर्षक कौन रहेंगे? मुख्य आकर्षक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माननीय सी पी जी जोशी साहब रहेंगे, और अभी जो चर्चा चल रही है शायद केंद्र से भी कोई हमें कोई नेता आ सकते हैं, इस तरह की रचना। डोंगर गांव में पानी की किल्लत, उधर दूसरी ओर नगर पंचायत अध्यक्ष के यहाँ शादी के दौरान शाही नजारे में पानी ही पानी। नगरी क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। आलम यह है कि आए दिन शहरवासी और नगर पंचायत के अधिकारियों के बीच झुआ झटकी की खबरें आम हो गई है। कभी कभी तो स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण भी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने बेटे की शादी में पानी की जमकर बर्बादी की। आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह अध्यक्ष महोदय पानी की बर्बादी कर रहे हैं। लोगों को एक एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा है और यहाँ साहब टैंकर भर भर के पानी पहुँचाया जा रहा है। डोंगरगांव नगर पंचायत क्षेत्र में और बल्कि पूरे डोंगरगांव विकास खंड में विधानसभा में गांव-गांव में पानी की समस्या विकराल है, और डोंगरगांव नगर पंचायत क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए आंदोलन किया था और समय इन लोगों ने आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी हम समस्या का निराकरण करेंगे, पर सभी वार्डों में आज भी पानी समय पर नहीं मिल रहा है लोगों को, ना इनका नल जल योजना काम कर रहा है, ना इनका टैंकर बरोबर सप्लाई नहीं कर पा रहा है। जनता में त्राही त्राही है, पर इनके जो नेता हैं जो नगर पंचायत में बैठे हुए हैं उनके घर में अगर कार्यक्रम है तो वहाँ पर पानी पानी है। कोई चौकी से टैंकर आया है, छुरिया का टैंकर आया है, राजनांदगांव नगर निगम से टैंकर आया है, डोंगरगांव नगर पंचायत का टैंकर लगा है, तो इनके लिए पानी समस्या नहीं है, जनता के लिए पानी समस्या है। जनता पानी के लिए तड़प रही है और यहाँ नगर पंचायत में जो लोग बैठे हैं उनको केवल एक ही काम है, उगाही उगाही, और जनता में खाली है त्राही त्राही त्राही। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की जिला पुलिस ने नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के दौरान तोड़ी उनकी सप्लाई चेन। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सलियों को सामान सप्लाई करने वाले 3 नक्सली सहयोगियों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि गीदम बीजापुर रोड में एमसीपी कार्रवाई के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े 3 नक्सली सहयोगी। पुलिस के अनुसार डीवीसीएम मार डिवीजन मिलिट्री कमांडर इन चीफ मल्लेश ने 2,000 रुपए के 100 नोट कुल 2,00,000 रुपए देकर नई मोटरसाइकिल और अन्य नक्सली सामग्री मंगवाया था। गिरफ्तार नक्सली सहयोगी बलराम तामू निवासी ताकीलोट भैरमगढ़ पूर्व में भी नक्सल मामले में जेल जा चुका है। उपरोक्त 3 आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम की धारा 8.2.3.5 के तहत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 3 आरोपियों के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 10 जून को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 3 जो सप्लायर हैं, लॉजिस्टिकल सप्लायर हैं, जो डीवीसीएम मल्लेश को सप्लाई का काम करते हैं, ये लोग वहाँ से अंदर से आए हैं और सप्लाई करने के लिए जाने वाले हैं। ये सूचना मिलने के तुरंत थाना गीदम में एमसीपी लगाया गया। उस एमसीपी के दौरान ये तीनों जो आरोपी हैं, विक्की गोयल भैरमगढ़ ये गीदम का रहने वाला है, और इसके साथ बलराम तामू भैरमगढ़ ताकीलोड का रहने वाला है, और शुभम दीक्षित है ये भी भैरमगढ़ के रहने वाले हैं। ये तीनों हमको मिले। इन तीनों से पूछताछ जांच करने के बाद ये पता चला कि ये तीनों जो है मल्लेश द्वारा बलराम अंदर गए, बलराम को उन्होंने 2,00,000 रुपए दिए थे और बोला गया था कि एक बाइक लाना है, कुछ दैनिक सामग्री के सामान लाने हैं, इसके साथ साथ 1,00,000 रुपए लगभग एडवांस में दिए थे कि फ्यूचर में जो भी सामान चाहिए होगा तो वो लाएंगे। तो यही तीनों लोग फिर वही बाइक खरीदे और इनके साथ जो दैनिक सामग्री जो सामान था वो था, प्लस इसके अलावा लगभग 1,00,000 रुपये 2,000 रुपये के नोट थे। ये तीनों से जो पूछताछ करने के बाद फिर ये जब हमने बरामद किया तो थाना गीदम में
86/23 FIR कायम किया गया, तीनों को गिरफ्त में लिया गया है और जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इससे पूर्व जो बलराम तामो है वो पूर्व में भी नक्सली घटना में 2016 से 2018 तक जेल में निरुद्ध रहा है और इन तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में लिया गया। वो DVC रैंक का है, डिविजनल कमेटी रैंक का मेंबर है और ये प्लाटून 16 का कमांडर है। और ये कौन से एरिया देखता था सर? माड़ एरिया कमेटी में ये एक्टिव है। ये जो सामान सप्लाई कर रहे सर, इसके इन लोगों की कब से ताल्लुकात थे सर और लगातार क्या मल्लेस को ही सप्लाई कर रहे थे क्या? हाँ, जो हमारी जो पूर्व में सूचना थी उसके अकॉर्डिंग जो बलराम है वो तो 2012-13 से इस माओइस्ट के लिंक में है और उनके लिए काम करते रहे। बाकी जो दो आरोपी ये लगभग 2020 में इन लोगों ने एक्टिव हुए और सप्लाई करने का काम करने में। मामला वार्ड क्रमांक 26 का है। चापा नगर पालिका में आए हुए आवास को जानबूझकर रोका गया। आरोप है कि महिला द्वारा बार बार आवास को पास कराने के लिए CMO एवं उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन उसका थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा। मीडिया द्वारा भी CMO से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, पर CMO इस मामले में कुछ भी बताने और कहने से भाग रहे हैं। आवास के संबंध में CMO करा बोलत रहे, ओकर बाद आज तक भी करीब 2-3 साल हो गए। अगल बगल के पैसा लेके मतलब उनके काम हो गए आवास के, अब एक छोड़ दी। अब देखिए अब ये पाँच एकल जो है अब ठीक है, वो भी सब SDM कलेक्टर SP सब लोग भूपेश बघेल सब लोग देवा गए, ओकर बाद में आज तक एक ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, जहाँ हो जाएगा दस का अपन ला पार्षद ला बोल देवे वहाँ लेके जाही दस्तखत कर देवो कहीस। एकाक 15 दिन में हो जाएगा, एकाक पैताना आप यहाँ आओ याद दिलाना कहीं से CMO साहब हाँ। फिर ओखर बाद में मैं हाँ ये हाँ अभी तक तो नहीं हो है साहब, ना पार्षद लेके दे है ना आप मन बुलाए हाँ इसे कि कहें तो वह कहीस अभी नहीं हो आए, फिर से कहीस फिर 2-4 दिन रुक जाओ कहीस, फिर 1-15 दिन रहीस, फिर मैं गए कैसे साहब नहीं हो दस्तखत अभी नहीं हो पाए थे भाई कहा थे जाओ कहीस, फिर मैं आ गए हाँ। फिर ओखर बाद गए हाँ 15-15 दिन में मैं हाँ हर पर जात रहे, वो दस्तखत करबे से नहीं करा थे, ऊपर ले कहा थे पेपर आउट करवाए भाई दस्तखत करे हज ऐसे कि मोला जंगा थे, मैं कहे सुना साहब नहीं करवाए हैं वैसा वैसा, तो मैं माफ़ी चाहत हूँ साहब जो गलती हुई सोही तेला और दस्तखत कर देव साहब की कि मैं कहें तो कहीं से नहीं हुआ अब दस्तखत कहीं तुम्हारा आवाज पासे नहीं हुआ अब ऐसा करिया था ऐसे कि मोला जंगाई से ओखर बाजू भी मैं 3-4 पे चल दें अभी तक नहीं होते, साल भर ले ज़्यादा हो गए हम वहाँ आवास आए मुख्यमंत्री 16 पास होके तो आई गए हैं। 16 को राजधानी रायपुर के बंजारी माता मंदिर से निकलेगी विशाल कलश यात्रा, 11,000 महिलाएं होंगी शामिल। रावाभाटा स्थित शंकराचार्य आश्रम में जगतगुरु शंकराचार्य के जन्म दिवस पर 16 जून को आयोजित विशाल कलश यात्रा को लेकर समाजसेवी बसंत अग्रवाल की अगुवाई में बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी ने बताया कि कलश यात्रा में 11,000 महिलाएं शामिल होंगी एवं 1500 शिव भक्त भगवान शंकर का रुद्र अभिषेक करेंगे। श्री राठी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार 11,000 महिलाओं द्वारा सिर पर जल का कलश लेकर गाजेबाजी व झांकी के साथ कलश यात्रा 16 जून को प्रातः 9 बजे बंजारी माता मंदिर से प्रारंभ होगी, जिसका समापन रावभाटा स्थित शंकराचार्य आश्रम में होगा। इस दौरान 1500 जोड़े के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। कलश यात्रा के पश्चात धर्म सभा का आयोजन होगा जिसमें पूरे प्रदेश एवं देश से धर्म प्रेमी शामिल होंगे। तत्पश्चात 12 बजे शंकराचार्य जी का आशीर्वचन प्रारंभ होगा। 11 बजे धर्म सभा होगी जिसमें सभी साधु संत एवं आम जनमानस शामिल होंगे और 12 बजे से आस्था लाइव गुरु जी का आशीर्वचन होगा। अच्छी खासी विशाल संख्या में आसपास के ही नहीं देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि गुरु जी के अनुयायी सभी देशों में 55 देश से लोग यहां आ रहे हैं। उनकी रहने की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, कलश यात्रा में सभी समाज के प्रमुखों के द्वारा, क्योंकि यहां पर देख रहे सभी समाज के प्रमुख हैं,
उनके द्वारा बीच बीच में मंच लगाकर पुष्पों से स्वागत करना एवं पूरे रोड में, क्योंकि गर्मी का समय, हालांकि 7 बजे सवेरे गर्मी नहीं रहती है, फिर भी हमारा प्रयास है कि रोड को पूरा पानी से अपन धुलवा दें। जहां जहां शिव जी की ये पवित्र कलश यात्रा निकले वहां पूरा वातावरण शिवमय हो जाए। और सबसे मूल जो हर कार्यक्रम में बिना रहता है कि धर्म ही प्रमुख है। हमको किसी राजनीतिक दल से ना कोई लेना देना था, ना है और ना रहेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में देर रात विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी आग से चपेट में आई 2 दुकानें हुई स्वाहा। आग की चपेट में आने से देखते ही देखते धू कर दोनों दुकानें जल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस तथा फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तथा फायर ब्रिगेड पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि आग की चपेट में आने से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। पूरा मामला जालौन नगर क्षेत्र में स्थित सब्जी मंडी के पास छोटे बिजली घर में देर रात 3 बजे का है। जूता चप्पल आग कैसे लगी? पता नहीं, फाल्ट से हुई, रात में लग गई। हम लोग आते ही नहीं यहाँ पे। कितना नुकसान हुआ आपको? लगभग 30,000 2 लाख के आसपास। अच्छा, कैसे कारण आग लगी है? कहता था फाल्टिंग हाई लाइट। अंकल हम आए थे तब आग लग चुकी थी। कितने बजे घटना? हम 3:15 पे आए थे यहाँ पे, तब आग लगी हुई थी यहाँ पे। जी, तो लगभग कितना नुकसान है तुम्हारा? अंकल नुकसान हम नहीं बता सकते, पापा बता सकते, हम तो बैठे नहीं थे, सामान सब ले गए, लेकिन हम थोड़ा बहुत जो था। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिवस जयनगर प्रखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिवस जयनगर प्रखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देखिए, लालू जी का जन्मदिन हम लोग आज मनाए हैं और वह लालू जी जो एक विचारधारा का नाम है और वह विचारधारा सामाजिक न्याय की विचारधारा है और इस विचारधारा को ही आज पूरे बरकट्ठा विधानसभा में जीवंत हम लोग करने के लिए निकले हुए हैं। इसी के आधार पर लालू जी के विचारधारा को आदर्श मानते हुए हम लोग पूरे बरकट्ठा विधानसभा में जन जन तक उनके संदेश को पहुंचाएंगे। आज संविधान जो खतरे में है, उस संविधान की रक्षा के लिए हमारे आदरणीय नेता, गरीब गुरबा लाचार मजलूमों के नेता और सामाजिक न्याय के पुरोधा, उनके जो आदर्श हैं उन आदर्शों को मानते हुए हम लोग यहाँ के लोगों को, बरकट्ठा विधानसभा के लोगों तक पहुँचना है और आने वाला जो समय है यहाँ बरकट्ठा विधानसभा का, वो झारखंड विधानसभा में यहाँ की आवाज़, यहाँ के लोगों की, यहाँ के जनजन की, यहाँ पर यहाँ के गरीब लाचार बेबस लोगों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना है और यहाँ के लोगों के लिए काम करना है। इसी सोच के साथ में आज हम लोग आदरणीय अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी का आज हम लोग जन्मदिन मनाए हैं। लोगों के बीच में खुशियों का एक बेहतर माहौल और वातावरण बना हुआ है। हम लोग आज बिरहोर टोला में जाकर के जो सबसे गरीब लाचार और बेहद ही कमजोर वर्ग के लोग हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था की है और लालू यादव जी के हमारे जो नेता हैं उनके आदर्शों का संदेश जन जन तक पहुँचाना है। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोगों ने अपने गगरचोली पंचायत भवन में हम लोगों ने पूरे प्रखंड नहीं बल्कि बरकट्ठा विधानसभा के लोगों के साथ में हमने जन्मदिन मनाया।